स्टार्ट करेंगे। महपारा एक बात सुनिए, अगर हम पहले वो नोट्स कर लेते हैं ना, वो थोड़े सी हैं। वो नोट्स, वो वाले नोट्स हैं जो पहले भेजे थे ग्रुप में। हाँ, मैंने अभी भी आपको शेयर की। एक मिनट रुको, मैं वो कर फिर लेते, फिर हमें एमसीक्यूज कैसे भी मिले तो इजी होगा। ऐसे तो फिर हमें समझ नहीं आ रही है, सब हम ऐसे ही से बातें बनाते और एक्सप्लेनेशन चलो ठीक है करते। भाई, मैं पहले नोट्स ही खोल देती हूँ। इन नोट्स पे भी तो एमसीक्यूज हैं बुशरा। नहीं, अभी जो मैंने वो शेयर किया है अभी कहाँ पे किया व्यू है? के नोट्स। हाँ, अच्छा जी, ठीक है ठीक, व्यू डिस्क्रीट। बस ठीक है ठीक है, हम इसको पहले करते हैं क्योंकि जब तक हमने पढ़ा नहीं होगा यार, बहुत मुश्किल है ऐसे, क्योंकि वो दिमाग में सारी बातें बिल्कुल गायब है ना, तो नहीं समझ आ रही है ऐसे, तो हम हल्के से इनके नोट्स पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कर लेंगे। क्योंकि मैं भी देख रही थी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, माइंड में नहीं आ रहा था कि ये कुछ हम पढ़ के आ चुके हैं। वो बिल्कुल इससे हटके गए थे ना वो हम लोग, तो एक्चुअल वो मेरे में को हम भी लोगों माइंड ने में। एमसीएस के भी पहले सेमेस्टर में डिस्क्रीट मैथ पढ़ा था, तो अगर अंदाजा करो तो 2021 और 2014 में हमने पढ़ा था, आप 15 के स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो 15 16 वही 17 ना। 18 19 20 21, 7 साल बाद क्या याद रहेगा मुझे बताओ, जब इन टच भी नहीं है उस टॉपिक से। यही ना। नहीं ओपन हो रहा। ये खुल जाए ना, डाउनलोड हो जाए, ये डाउनलोडिंग में टाइम ले रहा है पता नहीं क्यों। अच्छा, आ गया है, चलो जी अब देखते हैं हम, बताना स्क्रीन शेयर हो रही है सही से? हाँ ठीक है। गया, हाँ, आ गया। चलो अब इसने जब तक बेसिक चीजें नहीं पढ़ी होंगी ना, अब बेसिक चीजें पढ़ेंगे ना, खुद ब खुद चीजें क्लियर होती जाएंगी। एक्सप्रेस स्टेटमेंट विद अ प्रिसीजन ऑफ फार्मूला लॉजिक, ये कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, ये मेन टॉपिक्स हैं। पारा थोड़ा सा जूम कर लें इसको। अच्छा मैं जूम करती हूँ, आप देखो सही है। हाँ, आप ठीक है। चलें भाई पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओहो ये बार बार ऊपर नीचे क्यों हो जाता है? लेक्चर नंबर 1, ये पता नहीं क्या मसला कर रहा है। ऐसे मूव करना शुरू, बस यहीं से स्टार्ट कर लूँ। अच्छा ग्राफ्स ट्रीज डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, अच्छा डिस्क्रीट का तो पता है ना, डिस्क्रीट वो चीज होती है जो कंटिन्यूअस नहीं होती, यानी टुकड़ों में होती है, ठीक है उसको डिस्क्रीट कहा जाता है। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, डॉट्स शो हो रहे हैं। अच्छा ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये है 3 -2 -1 0 1 2, ये इंटीजर्स का सेट है, यानी इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर -1 2 3 और 0 1 2, यानी ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, 0 1 2 से लेके और -1 -2 -3 इस साइड पे भी। इंटीजर तो होते ही पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है। अच्छा रियल नंबर्स भी हमें पता चल गए। व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स,
डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंसर्न प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स. अच्छा, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड्स दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट. अच्छा, लॉजिक यहाँ पे डिस्क्रीट मैथ में क्या चीज होती है कि किस जो कि हमें डिफरेंस करती है कि कोई स्टेटमेंट कोई आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है. यहाँ पे वो बेसिक बातें पता चल जाएंगी ना, फिर समझ आ जाया करेगी. अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज इधर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. स्टेटमेंट जो भी होगी वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, या उसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन दोनों नहीं होगी, यानी फॉल्स भी हो और ट्रू भी हो, ये नहीं हो सकता. अच्छा जी, अ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रेफर टू एज प्रपोजिशन. आप समझ आई वो प्रपोजिशन क्या होता है? जो डिस्क्रीट मैथ के अंदर स्टेटमेंट के माइंड में था, ये प्रपोजिशन क्या होता है? हाँ, लेकिन कितना कॉमन सा स्टेटमेंट को प्रपोजिशन. स्टेटमेंट जो भी होगी डिस्क्रीट मैथ के अंदर उसको हम प्रपोजिशन बोलेंगे, और उसकी कोई ना कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू होनी चाहिए. स्टेटमेंट क्या चीज है? स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसकी कोई ना कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू होगी. अब वो क्वेश्चन अगर हमने ये पढ़ा होता तो बिल्कुल आसान था हमारे लिए, हमने जस्ट ट्रू या फॉल्स बताना था. जिस स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स वैल्यू होती वो प्रपोजिशन थी. प्रपोजिशन, ठीक है. एग्जांपल कैसे, 2 + 2 = 4, इट इज संडे टुडे. तो आज अगर संडे नहीं होएगा और ये स्टेटमेंट है तो ये फॉल्स वैल्यू रखेगी, और संडे होएगा तो ट्रू वैल्यू रखेगी. इफ अ प्रपोजिशन इज ट्रू वी से दैट इट हैज अ truth value of true. If a preposition is false, its truth value is false. Ab truth value kya hoti hai? Truth values true and false are respectively denoted by the letters T and F. Truth value, true or false ki jo values hoti hai, jisko hum T aur F se represent karte hain. Ab dekho, hum yahan pe bata rahe hain, examples aa gayi ki kaun si preposition hai aur kaun si nahi hai. तो ग्रास इज ग्रीन ये जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ नहीं पता कि ट्रू है कि फॉल्स है. नहीं, ग्रास इज ग्रीन ये ट्रू है, ये पता है, ये ट्रू है ना कि ग्रास ग्रीन ये प्रपोजिशन है. 4 + 2 = 6 ये भी प्रपोजिशन है, इसमें भी हमें पता है कि ये वैल्यू है कि नहीं है. 4 + 2 = 7 ये भी फॉल्स वैल्यू है, लेकिन हमें पता है कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू है इसकी. ये सब प्रपोजिशंस हैं, और प्रपोजिशन नहीं है वो क्या नहीं है, क्लोज द डोर, इसमें कोई ट्रू फॉल्स वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही. एक्स इज ग्रेटर देन 2 इसमें भी नहीं एग्जिस्ट कर रही. ही इज वेरी रिच, ये प्रपोजिशंस नहीं है. क्लियर? ठीक है, हाँ हाँ क्लियर. आगे चलते हैं जी रूल में. रूल क्या होता है? इफ अ सेंटेंस इज प्रीसीडेड बाय अदर सेंटेंस. अब देखो ये चीज थी जिसकी वजह से हम मार खा रहे थे अभी. द इफ अ सेंटेंस इज प्रीसीडेड बाय अनदर सेंटेंस दैट मेक द प्रोनाउन और वेरिएबल रेफरेंस क्लियर, देन द सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट. कैसे? एग्जाम्पल दी है x इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 2. x ग्रेटर देन 2 इज अ स्टेटमेंट विद ट्रूथ वैल्यू. ऐसा सेंटेंस जो के प्रीसीड करेगा दूसरे सेंटेंसेस के साथ मिलके, और वो प्रोनाउन या वेरिएबल रेफरेंस उसका क्लियर होगा. कैसे? देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है, बिल गेट्स इज एन अमेरिकन. ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसके प्रीसीडिंग किस सेंटेंस से हो गया, ही इज वेरी रिच. तो दैट मेक द प्रोनाउन और वेरिएबल रेफरेंस क्लियर. अब जो वेरिएबल रेफरेंस है इसका हमारे पास ही, ये हमें बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि किसकी बात हो रही है, बिल गेट्स की बात हो रही है. बिल गेट्स इन द सेंटेंस, ऐसा जो सेंटेंस होगा उसको स्टेटमेंट कहेंगे. सही है, ठीक है. और जो x इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 2, इसमें क्या था, x एक वेरिएबल था, x एक वैल्यू थी, एक सेंटेंस था एक्चुअल में, जो के फॉलो कर रहा है दूसरे सेंटेंस से जो के इक्वल टू 1 है.
तो वन की वैल्यू एक्स के साथ रिलेट कर रही थी जो कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू होगी, तो इस वजह से वो भी स्टेटमेंट है एक्चुअल में. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स. अब स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें. एक्स प्लस टू इज पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये किसी भी ऊपर लिखा हुआ ना कि ऊपर लिखा हुआ रूल में कि वेरिएबल रेफरेंस क्लियर होना चाहिए. अब जो एक्स है इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है, फिर ये स्टेटमेंट में तो नहीं आता ना. तो ये नॉट अ स्टेटमेंट. हां ना, अगर यहां पे एक्स की हम कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो फिर वो पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, इसलिए हमें एक्स पता नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है. मतलब हमें प्रोनाउन हो या कोई वैल्यू या कुछ भी उसको क्लियर होना चाहिए, फिर वो स्टेटमेंट. हाँ एग्जैक्टली, जब क्लियर वैल्यू होएगी तब वो स्टेटमेंट बनेगी, अदरवाइज स्टेटमेंट नहीं बनेगी. मे आई कम इन? अब इसमें भी कोई क्लियर बात नहीं है इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं है. लॉजिक इज इंटरेस्टिंग, ये एक प्रॉपर वैल्यू है. मतलब लॉजिक एक चीज है जो कि इंटरेस्टिंग है, तो इस मतलब ये ट्रू वैल्यू है इसकी या फॉल्स वैल्यू बनती है इसकी. ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट है. इट इज हॉट टूडे, ये भी एक क्लियर वैल्यू है, क्लियर सेंटेंस है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट है. अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये नॉट अ स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें x की वैल्यू भी नहीं है, y की वैल्यू भी नहीं है. तो जब वैल्यू ही नहीं है तो हमें क्या पता कि 12 के इक्वल है कि नहीं है. और MCQs में बाज औकात मैंने देखा है NTS के टेस्ट में ये वाली चीज आती है, x plus y equal to 12 is a statement or not. तो फिर हमें बताना होता है कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं. कंपाउंड स्टेटमेंट, अगर ये कहेंगे ये प्रोपोजिशन है या नहीं, हम कह सकते कि ये है क्योंकि इसकी नहीं प्रोपोजिशन नहीं पूछेंगे, पूछेंगे स्टेटमेंट है कि नहीं. नहीं मैं कह रही हूँ कि अगर पूछते हैं तो. हाँ हाँ अच्छा, आगे देखें कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है. कंपाउंड स्टेटमेंट में सिंपल स्टेटमेंट्स कुड बी यूज्ड टू बिल्ड अ कंपाउंड. अब सिंपल जो स्टेटमेंट्स होंगी ना उन्हीं को कंबाइन करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए, यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट मिलेंगी तो कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगी. और उसके दरमियान में वो रिलेशनशिप क्या बन रहा होगा, एंड और नॉर, वो वाले जो हमने पढ़े थे, नॉट. ठीक है, वो सारी लॉजिकल कनेक्टिव्स, वो जिनको हम बोलते थे ना लॉजिकल कनेक्टिव, एंड और नॉट नीदर, ये वाले लॉजिकल कनेक्टिव्स जो होते थे. अब देखो 3 + 2 = 5 एंड लाहौर इज अ सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स हैं. ये एक्चुअल में स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल बात. तो इसने इसको कनेक्ट किया तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई. द ग्रास इज ग्रीन और इट इज हॉट टूडे, तो दोनों एक्चुअली स्टेटमेंट्स हैं, तो इस वजह से ये क्या बन गई, कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई. बस ये बेसिक बात समझ आ गई, आगे चलते हैं. ये जो मुकारा अभी आप कर रही हैं क्या, ये जो अभी आप कर रही हैं ना. हाँ हाँ, देखिए जिस तरह हमारे पास गॉस स्टेटमेंट आती है ना, हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम लोग किसी एक चीज को, जिस तरह इट इज हॉट टुडे, अगर हम लोग इसको वैल्यू दे दें कि ये पी के इक्वल है. हाँ ठीक है, द ग्रास इज ग्रीन, इसको हम लोग वैल्यू दे दें क्यू के इक्वल है. ठीक है, तो जब इसमें एंड और नॉट या नेगेशन वाला यूज होता है ये हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट आ जाती है. एंड के लिए आपने ये नीचे सिंबल्स वगैरह. हाँ यही तो हम अभी कर रहे हैं एक्चुअल में, हमें चीजें भूल गई हैं इसलिए हम बेसिक्स के ऊपर दोबारा गए. अब ये नीचे बात आ रही है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन By letters. अब जो भी स्टेटमेंट्स हमारे पास होंगी हम उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उनको पूरा पूरा नहीं कहीं पे यूज करेंगे. स्क्रीन में दोबारा कहना चाह रहे, बंद करके शेयर करती हूँ. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, मैं दोबारा बंद करके दोबारा से ऑन करती हूँ, फिर आपको शो हो जाएगी. अब देखो हमने कभी भी जब रिलेशनशिप फाइंड करना है स्टेटमेंट्स के दरमियान तो हम ये नहीं करेंगे कि नाउ सी योर स्क्रीन. अब नजर आ रही है ना. जी जी. अच्छा अब देखो सिंपल बात है कि हम पूरी पूरी स्टेटमेंट्स लिख के तो उनका रिलेशनशिप फाइंड नहीं करेंगे,
इसलिए हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से, हम उन स्टेटमेंट्स को इक्वल करेंगे पी क्यू आर नेम दे देंगे और फिर उनको देखेंगे अब उनके कनेक्टिव क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव कौन से हैं। लॉजिकल कनेक्टिव उनके नेगेशन, कंजक्शन, नेगेशन कौन सा होता है नॉट, कंजक्शन कौन सा होता है एंड, और डिसजंक्शन और। कंजक्शन का मतलब ही होता है ना कि जोड़ना, तो एंड ने जोड़ना है, और डिसजंक्शन डिसाइड करना कि कौन सा इन में से कौन सा, या का सेंस जो होता है, तो वो और आ जाएगा। और कंडीशनल और बाय कंडीशनल, इफ देन और बाय कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ। तो सिंबल्स देख लो के कैसे, नेगेशन का सिंबल ये वाला होता है मद वाला, ये जो इफ देन वाला है इसको इंप्लाई, क्या चीज, इफ देन वाली जो कंडीशन है यहां पे हम लोग इंप्लाइज दैट भी पढ़ रहे थे, जो इफ देन कंडीशन है। हां हां हो गई है, स्क्रीन शेयर करें प्लीज। कौन कह रहा है स्क्रीन शेयर करें? बुशरा। उषा स्क्रीन तो शेयर है पर पता नहीं क्या इशू आ रहा है, मैं दोबारा से शेयर करूं। उषा हमें तो दिखाई दे रही है स्क्रीन, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है शायद, उषा का नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो ये जो इंप्लाइज दैट वाला मैं कह रही थी, एरो का जिसको ये यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए थे इसमें ये एरो साइन यूज नहीं होता था, उसके लिए इंप्लाइज दैट बोलते थे हम लोग, इंप्लाइज दैट बोलते थे, लेकिन सिंबल एरो का ही होता है, एक सिंगल एरो होता है वन साइडेड और एक डबल साइडेड एरो होता है। ये मैंने चूंकि डबल टाइम पढ़ा था ना ये सब्जेक्ट, मैंने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ था, इस वजह से ये चीजें मुझे थोड़ी थोड़ी याद हैं। नॉट, नॉट जो है ना, नॉट का सिंबल देख लो, एंड का सिंबल तो सबको याद होगा, एंड ऊपर वाली हैट, ठीक है, और एक बिलो वाली हैट जो है और के लिए है, और इम्प्लाइज और नॉट इम्प्लाइज, ये सबको समझ आ गए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ ये क्विकली गो थ्रू करें ये चीजें, चूंकि हमारा असल मकसद एमसीक्यूज है, हमने जस्ट एक कंसेप्ट बिल्ड करना है यहाँ से। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, उसकी क्या कहते हैं सेंटेंसेस की, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के, इट इज नॉट हॉट, तो नॉट पी, ठीक है, हमने पी से रिप्रेजेंट कर दिया सेंटेंस को और नॉट लगा दिया, नॉट का सिंबल लगा दिया। इट इज हॉट एंड सनी, तो हॉट के लिए अगर हमारे पास है क्या चीज, अगर हमारे पास पी है इट इज हॉट, तो फिर जब नेगेशन यूज करेंगे तो उसका नेगेटिव आ जाएगा, इट इज नॉट हॉट। हाँ 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 बिल्कुल, तो इट इज हॉट एंड सनी, तो अगर पी हम कह देते हैं इट इज हॉट एंड सनी के लिए कह देते हैं क्यू, तो एंड का सिंबल बीच में ऐड कर देंगे पी एंड क्यू। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज समझ आ गई है सबको, ये मुश्किल नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट द कंपाउंड स्टेटमेंट्स टू सिंबॉलिक फॉर्म, अब उन्होंने कहा कि ट्रांसलेट करें कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में। ज़िया इज हेल्दी, अगर ज़िया हेल्दी है तो पी आ गया, एंड वेल्दी, तो पी ज़िया के हेल्दी के लिए पी स्टेटमेंट, वेल्दी के लिए क्यू स्टेटमेंट, बट नॉट वाइज, तो नॉट वाइज के लिए अलग चीज होगी, एक पी क्यू आर कर देते हैं। तो ज़िया इज हेल्दी पी, एंड का सिंबल और वेल्दी क्यू आर, पी एंड क्यू, पी एंड का सिंबल क्यू, बट नॉट वाइज, अगर बट आ गया तो बट के लिए एंड क्यों इन्होंने यूज किया, ये नहीं समझ आई। इरम कोई हेल्प, नॉट वाइज का तो पता चल गया, हम एक सिंबल और लगा देंगे उसके साथ नेगेशन का मार्क लगा देंगे, लेकिन बट के लिए एंड का सिंबल क्यों यूज हुआ है, ये नहीं समझ आई मुझे। क्योंकि यहाँ पे एक और बात उसी ज़िया की बात हो रही है कि वो हेल्दी भी है वेल्दी भी है लेकिन वाइज नहीं है, तो यहाँ पे एंड सिंबल ही यूज होगा। तीन बातें हो रही है ना एक ही बंदे, ठीक है, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ज़िया हेल्दी है वेल्दी है और वो अक्लमंद नहीं है, बट की जगह हम और भी, हाँ ठीक है, और है और एंड होता है, तो और को हम एंड के सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, सिंपल बात, बस हम ऐसे याद रख लेते हैं। अच्छा बाकी अगली स्टेटमेंट इजी है, ये आप लोग कर लेंगे इजीली खुद भी, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिंबल्स टू इंग्लिश, अब सिंबल्स अगर आ जाते हैं तो उससे इंग्लिश में कैसे करेंगे। एम Ali is good in mathematics. C, Ali is a computer science student.
अच्छा ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द प्लेन इंग्लिश. अच्छा ये सी है नेगेशन, ये वही चीज है पहले हमने जो, हाँ तो ये वही जो हमने किया उसी का रिवर्स है, ये बिल्कुल उसी का रिवर्स है, उसी का रिवर्स है. आगे चलते हैं. अच्छा नेगेशन वाला ट्रुथ टेबल आ गया, ये हमें आता है ठीक है. इसके सिंबल है ट्रू फॉल्स लगाना है, तो पी अगर ट्रू है तो नेगेशन उसका फॉल्स, तो फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा. कंजक्शन का ये क्योंकि ट्रुथ टेबल में हमेशा अगर टू वैल्यूज होंगी तो फोर के साथ यानी फोर रोज का टेबल बनेगा, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स. तो ये ये इजी चीज है ना, इसको करें या छोड़ आगे चलें. अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे मेंशन कर दे, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी. नहीं मुझे समझ आएगी. हाँ हाँ इरम बोलो. आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज जी जी आ रही है, कट रही बहुत है. देखिए अगर हमारे पास दो वेरिएबल है ना पी एंड क्यू, तो इसके लिए हम लोग ट्रूथ टेबल में मतलब पहले ट्रू ट्रू फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स. इसी तरह अगर हमारे पास तीसरा भी आ जाता है. आ रही आवाज? हाँ 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 इरम, अगर हमारे पास तीसरा आ जाएगा तो फिर हम टू की पावर थ्री करेंगे, टू टू जार फोर, फोर टू जार एट, फिर इसकी एट बनेगी, तो p का जो कॉलम होगा उसमें फोर ट्रू ट्रू होंगे, फॉल्स होंगे, फिर क्यू में टू ट्रूज टू फॉल्स, टू ट्रूज टू फॉल्स होंगे, और जो पी क्यू के साथ हम आर वाला कॉलम करेंगे उसमें ट्रू फॉल्स टू फॉल्स. ये बात माइंड में रखनी है कि जो स्टार्टिंग होंगे वो ट्रू होंगे, और यानी कि पहला वाला ट्रू होता है ठीक है. जैसे अगर आपका दो है तो पहले दो ट्रू दो फॉल्स, जिस तरह क्यू है तो फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह आएगा. हाँ ये इसकी ट्रिक है कि अगर हमारे पास जस्ट टू वेरिएबल्स हैं तो पहले कॉलम में दो ट्रू दो फॉल्स आएंगे, और अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो फोर, पहले चार ट्रू फिर चार फॉल्स, फिर उसके आगे इसी तरह से फिर दो क्यू में दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, और फिर उसके बाद नेक्स्ट में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसा ही होता है ना? हाँ हाँ ऐसे ही होता है जी, बिल्कुल ऐसे ही होता. चलो जी आगे देखते हैं डिसजंक्शन. इसका टेबल भी ये होता है ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू, लेकिन डिसजंक्शन में और में हमेशा ये होता है कि ट्रू फॉल्स में से एक वैल्यू भी ट्रू आ गई तो आंसर ट्रू हो जाता है. दोनों का फॉल्स होना जरूरी है वैल्यू का फॉल्स होने के लिए, जबकि एंड में एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाती है. अच्छा इसको याद करने की एक और ट्रिक ये है ना कि आप ट्रू को वन से रिप्रेजेंट कर दें और फॉल्स को जीरो से रिप्रेजेंट कर देना, तो जो एंड होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि जीरो को हम जिस भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो ही आएगा. और जो आपके पास और का है और में आपने प्लस करना होता है, लेकिन इसमें जब वन में जीरो को प्लस करेंगे वन आएगा, जीरो में वन को प्लस करें तो भी वन आएगा, और जब इसमें सिर्फ तब कंडीशन फॉल्स होगी जब दोनों जीरो होंगे, चलो जी ये ट्रिक बहुत अच्छी है कि एंड में हमेशा मल्टीप्लाई साइन यूज होता है और में प्लस वाला साइन यूज करना है और में एडिशन. हाँ और ट्रू को वन वैल्यू दे देनी है, फॉल्स को जीरो वैल्यू दे देनी है, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ वन वैल्यू लगानी है कहाँ जीरो लगानी है. अच्छा जी ये वाला चैप्टर तो हमारा मेरे ख्याल से मुकम्मल होने ही वाला है, हम आगे चलते हैं आगे चलते हैं. हाँ जी इसी के रिलेटेड एक टॉपिक था टिटोलॉजी वाले, वो वाला अगर ओपन कर दें आप. एक्चुअल मैं इरम मैं इधर से अगर इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो ये बहुत ही नीचे ऊपर चला जाता है, मुझसे इसको पकड़ के हो रहा नहीं है, ये पता नहीं क्या रीजन बन रही है. ये टेबल तो वही है जो हमने ये देखो ये टेबल, ये डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी, ये हमें पता है कि क्या हो जाएगा. अच्छा जी थोड़ा सा और आगे करते हैं. ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है p, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. देखिए p इज इक्वल टू नेगेशन इनटू नेगेशन p. एक मिनट रुको, इसमें दो बार एक बार ट्रू को फॉल्स हो जाएगा, फिर नेक्स्ट दोबारा करेंगे तो फॉल्स दोबारा ट्रू हो जाएगा. अरे ये देखो ना जी p का खेलना है मैं क्या कह रहा हूँ. अच्छा ये नेगेशन आ गया, डबल नेगेशन, अगर फॉल्स है तो अगेन फिर ट्रू हो जाएगा ना वापस उसका.
ठीक है, डबल नेगेशन की प्रॉपर्टी ये बेटर है इस तरह के क्वेश्चन आए ना उसको सॉल्व करके कर ले। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो जी आगे चलते हैं, क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना जो हमको बेसिक बात समझ आ गई है ना, हम अब एमसीक्यू उसको सॉल्व करेंगे। तो डिमॉर्गन लॉ देख लेते हैं। डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है, पी एंड क्यू है अगर, तो उसके साथ नेगेशन होएगा सबसे पहले, और उसको इक्विवेलेंट करेंगे नेगेशन पी और हो जाएगा सिंबल, चूंकि चेंज हो जाएगा बाहर वाले जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, और नेगेशन क्यू। ठीक है, और नेगेशन ऑफ आर स्टेटमेंट लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट होता था डिमार्गन लॉ में, जिस तरह कॉम्प्लीमेंट होता था यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की जगह नेगेशन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं आगे चलते हैं। ये डिमार्गन लॉ भी इजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होती। अगर आर वाला डिमार्गन, दो दो लॉ होते हैं ना, आर के साथ होता है या एंड के साथ होता है। तो अगर आर के साथ होएगा तो सेम ओपन होगा और एंड का फार्मूला बन जाएगा अंदर और ओपन होके, और अगर एंड वाला फार्मूला होगा तो यहाँ पे और वाला बन जाएगा। देखिए जिस तरह डिमार्गन ला की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी तरह यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज हैं। अगर वहां पे इंटरसेक्शन होता था तो यहाँ पे एंड है, पहले एंड आ रहा है फिर आर आ रहा है। तो जिस तरह अगर दूसरी प्रॉपर्टी भी देखें तो पहले आर या फिर यूनियन जो आता था, इसी तरह यहाँ पे आगे आर आर यूनियन की जगह एंड एंड जो है वो इंटरसेक्शन की जगह सेम है। हाँ सही है, चलें आगे देखते हैं। आगे क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग ये सेंटेंसेस हैं, इनको छोड़ते हैं आगे चलते हैं। ये टूटोलॉजी और इसको देख लेते हैं एक दफा। जी टूटोलॉजी वाला जो टॉपिक है ये रहा। हाँ टूटोलॉजी ट्रू होते हैं ये देख लें। टूटोलॉजी या टूटोलॉजी इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम दैट इज ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल। टूटोलॉजी में हमेशा आंसर ट्रू आता है, चाहे ट्रू फॉल्स हो या फॉल्स ट्रू हो। तो टूटोलॉजी एक वेरिएबल के साथ काम करती है, तो देखो ट्रू और फॉल्स मतलब या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो फिर उसके आगे जब नेगेशन करेंगे हम उसकी तो वो फॉल्स और ट्रू, तो दोनों का आंसर हमेशा ट्रू ट्रू बनता है, क्योंकि ये और के साथ होती है। देखिए टूटोलॉजी में जरूरी नहीं है कि एक वेरिएबल या जितने भी वेरिएबल, टिटोलॉजी में देखें अगर तीन वेरिएबल आंसर ट्रू आता है, आंसर ट्रू आता है हमेशा। हाँ हमारे पास 10 मिनट हैं, 10 मिनट में हमें जो पढ़ सकेंगे वही पढ़ सकेंगे। इरम तुम बताओ क्या कह रही थी, एक्सप्लेन करो दोबारा। आवाज कट गई है चूंकि इरम यही कह रही थी कि बेशक आपके पास तीन वेरिएबल्स हों या जितने हों, उनको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो उनका आंसर लास्ट पे ट्रू आएगा, तो वो टॉटोलॉजी कहलाएगा। हाँ जब भी वेरिएबल्स का आंसर ट्रू आएगा तो हमारे पास वो टॉटोलॉजी बनेगी, और कंट्राडिक्शन में हमेशा और सेम फॉल्स आएगी, फॉल्स होगा हमेशा फॉल्स होगी। लेकिन देखो ना सोल्यूशन भी देख लो ना, कि टॉटोलॉजी में एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी वेरिएबल्स हों उनके अंदर नेगेशन होके तो आर आता है, ठीक है, और का सिंबल, तो आर और कंट्राडिक्शन में एंड आता, कंट्राडिक्शन में एंड आता है, तो एंड की वजह से वैल्यू हमेशा फॉल्स हो जाती है, क्योंकि ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन बनता है ना, इसमें नेगेशन हो जाती है ना, अगर ट्रू वैल्यू है तो उसका नेगेशन हमें लेना पड़ेगा। चलो सिंस द लास्ट कॉलम इन द ट्रू टेबल, अच्छा आगे चलते हैं। लॉजिक इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग टूटोलॉजी, अच्छा इसमें क्या है, यहाँ पे क्या था ये देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव आर और नॉर, ये जो है ना वैसे इनमें से पता नहीं आएगा कुछ के नहीं आएगा, लेकिन कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन वाला ट्रुथ टेबल है, ठीक है, इसको हम नहीं कर पा रहे। जो अभी आपने खोला था स्टेटमेंट्स ऊपर कहीं, वो पता नहीं ना ना टॉटोलॉजी होती है ना वो कंट्राडिक्शन होता है, वो वाला जो आपने बोला था स्टेटमेंट्स,
वो तो कर ली है ना, उसकी स्टेटमेंट्स कह रही हो, वो वापस खोलना पता नहीं कहाँ, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, उसको छोड़ो रहने दो, आगे चलते हैं। जो भी है हमारे पास छोड़े तुमने बस ये याद आंसर अगर सबका ट्रूथ आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेटालोजी है, अगर सबका आंसर फॉल्स आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कंट्राडिक्शन है। इसके अलावा अगर बाकी कुछ वैल्यू ट्रू आ रही है कुछ फॉल्स आ रही है तो उसको हम लोग ना टेटालोजी कहेंगे ना कंट्राडिक्शन कहेंगे, जस्ट हमारे पास आंसर आएगा। सही है, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई है। अब देखो इस ट्रूथ टेबल के अंदर सब वैल्यूज ट्रू आई हैं, इस वजह से ये ट्रूथ टेबल टोटोलॉजी है। और इसका सोल्यूशन करके सब वैल्यूज फॉल्स आई हैं, इस वजह से इसको हम कंट्राडिक्शन कहेंगे। यूजेज ऑफ एक्सक्लूसिव और, व्हेन और इज यूज्ड इन इट्स एक्सक्लूसिव सेंस द स्टेटमेंट पी और क्यू मीन्स पी और क्यू बट नॉट बोथ, ठीक है, और पी और क्यू एंड नॉट पी एंड क्यू विच ट्रांसलेट इन टू सिंबल्स। अब वो कैसे सिंबल्स में होगा, पी और क्यू है और एंड बीच में एंड और नॉट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू तो विच इज एब्रीविएटेड एज, इसको हम एक्सक्लूसिव और कहेंगे। अब इसको हमने एक्सक्लूसिव और की वैल्यू सिंपल बात सिंपल ये जो एक्सक्लूसिव और होता है ना, ये जो आपका सिंपल और गेट है ना उसका उलट हो जाता है, और में जो होता है कि जो दोनों अगर आपके ट्रू हैं तो आंसर मतलब कोई एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, लेकिन इसका उलट हो जाएगा। आप सिंपल बस और के टेबल याद रखें, जब आपको एक्सक्लूसिव और करना हो तो आप उसी का रिवर्स कर दें, इसमें ट्रू फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स ट्रू में हो जाएगा। एग्जैक्टली और का टेबल जो होता है उसका उलट करके एक्सक्लूसिव और बन जाता है। देखो ना पी और क्यू है, ये सिंपल हमारी जो वही रिप्रेजेंट कर रही है ना, पी आर क्यू है अगर, तो उसको आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, उसको रिवर्स करोगे तो वो आर का उलट जो होगा वो एक्सक्लूसिव आर बन जाता है। देखिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव आर जो होता है वो पी और क्यू का उलट नहीं होता। यहाँ पे देखें एक बात होती है, अगर दोनों ट्रू हैं तो वो आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स होगी, अगर दोनों फॉल्स हैं तो वो हमारे पास। मैंने आपको नॉर का बता दी है, ये जो नॉर होगा ना, नॉर का और नॉर का उलट होता है, तो आर का उलट होता है ना, लेकिन एक्सक्लूसिव जो आर होता है इसमें एक स्टेटमेंट ट्रू और एक फॉल्स होगी तो ये हमारे पास ट्रू आएगा, एक स्टेटमेंट हाँ बिल्कुल तो ट्रू आएगा। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, और दोनों ट्रू हमेशा यानी दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स नहीं हो सकते इसका। हाँ सेम एग्जैक्टली मुझे याद आ गई है, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स जब भी होंगे वो फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, एक्सक्लूसिव और की समझ आ गई है। अच्छा ये भूला हुआ था एक चीज जो फातिमा ने अभी बात की है आर की और जो नार, और जब भी हमारे पास आएगा तो उसका जो उलट होगा वो नार होगा, इसी तरह एंड जो होता है एंड उसका आंसर आएगा तो वो हमारे पास नेंड गेट आ जाएगा, जिस तरह गेट हमने पढ़े थे उसी तरह एंड से नेंड आ जाएगा और आर से नार आ जाएगा, और से नार तो एंड से नेंड, इसको छोड़ो कंफ्यूजिंग मतलब उसका आर का जो उलट हो जाएगा, जो ट्रू थी वो फॉल्स हो जाएंगी और जो फॉल्स थी वो ट्रू हो जाएंगी, इसी तरह एंड में अगर है जो ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगी, वो हमारे पास एंड से नेंड आ जाएगा और आर से नॉर आ जाएगा। चलो एक एक्स और एक्स नॉट भी होता है, एक्स नार तो कोई नहीं होता, आर होता है तो वो आर से नार होता है। नहीं एक एक इसका इस तरह से था ना कि जिस तरह भी हमने पढ़ा ना कि दोनों ट्रू तो फॉल्स,
और दोनों फॉल्स तो ट्रू, तो एक इस तरह था कि अगर एक ट्रू एक फॉल्स होगी तो वो ट्रू हो जाएगा, और एक फॉल्स एक ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा, अगर दोनों ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा। देखो देखो अगला देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं या इम्प्लीकेशंस उनको कहते हैं, ठीक है। इफ इट इज फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। ये हर जगह ट्रू होएगा, सिर्फ एक कंडीशन है इसकी कि अगर के एक ट्रू है और पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, बाद में फॉल्स है, तो फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखो इट इज फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू, तो पी जब भी ट्रू होएगा, पहला जब भी जो पहला वेरिएबल होगा वो जब भी ट्रू होएगा तो सेकंड फॉल्स होएगा, तो तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू देता है। देखिए ये वो वाली स्टेटमेंट है, हमें बाकी नहीं देखना कि पहला ट्रू है या दूसरा ट्रू है या पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है, इसमें हमने ये देखना है कि अगर पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल्स नहीं आना चाहिए, अगर फॉल्स हुआ तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, बाकी अदरवाइज हमने ये नहीं देखना कि पहला अगर फॉल्स है उसका तो हमें दूसरे पे वो डिपेंड नहीं करता कि अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा बेशक ट्रू होना चाहिए, लेकिन पहली जो बात है अगर पहला ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होना नहीं होना चाहिए, अगर ट्रू नहीं है, अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो इसका मतलब है ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ जाएगी, अदरवाइज बाकी पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है ये डिपेंड नहीं करता। हाँ 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 एग्जैक्टली exactly. पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो इस ये भी कोई मैटर नहीं करेगा, फॉल्स पहला फॉल्स दूसरा ट्रू फिर भी मैटर नहीं करता, फॉल्स है फिर भी मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर कब करता है जब पहला ट्रू होगा और उसके कंजेक्टिव स्टेटमेंट फॉल्स होगी, बस बस ठीक है आगे चलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, देखो देखो यहाँ से दो तीन एग्जाम्पल्स कर देते हैं। If one equal to one, then three equal to three. तो इसका आंसर क्या है? True. If one equal to one, then two equal to three. पहली true है और दूसरी false है. तो यहाँ पे सिर्फ ये लाए करेगा रूल. दूसरी false नहीं होनी चाहिए. आगे देखते हैं, next topic को देखते हैं. क्योंकि टाइम तो एक मिनट रह गया, मेरे ख्याल से क्लोज करते हैं इसको, ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू सिंबल इनको भी रहने देते हैं। अच्छा जी इसको भी ट्रांसलेटिंग सिंबल प्रेपोजिशन टू इंग्लिश ये भी हो गया, मेरे ख्याल से हम फिर थर्ड चैप्टर से शुरू करेंगे हायरार्की ऑफ ऑपरेशन फॉर लॉजिकल कनेक्टिव्स, इनको छोड़ के हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे फिर, लॉजिक इक्विवेलेंस खुद पढ़ लेना फिर कर लेंगे। हाँ वैसे अगर ये चीजें कर लें तो फिर हम वो करें एमसीक्यू सारे स्टार्ट करें अगले सेशन में। ओके जी टाइम एंड हो गया है।